और देखिए आपको जैसे पता है, हमको भी पता है, भारत जैसे विशाल देश में अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग मानसिकता वाले राज्य हैं, लोग हैं। तो हम अपने धर्म के बारे में सबसे पहले कहना चाहेंगे कि हमारे धर्म के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं एकजुट नहीं है, इसलिए हम केवल सनातन का झंडा लेकर के नहीं चल सकते। दूसरी बात यह है कि राष्ट्र प्रथम है, भारत जैसे संवैधानिक देश में राष्ट्र प्रथम है धर्म बाद में, तो पहले हमें राष्ट्र देखना है फिर धर्म देखना है। तो इसका ये प्रतीक है कि हम राष्ट्र और धर्म दोनों लेकर के साथ में चल रहे हैं। अगर हमारे राष्ट्र पे कोई आंच आएगी तो धर्म को छोड़कर सबसे पहले राष्ट्र पे हम प्रहार करने वालों अत्याचारियों के खिलाफ हम आंदोलन मोर्चा खोलेंगे। दूसरा, जब धर्म पे आंच आएगी तो धर्म हमारे धर्म धार्मिक लोग हैं तो हम अपने धर्म की भी रक्षा करेंगे। तो ये इसका प्रमाण है कि हम नेशनल फ्लैग जो हमारा तिरंगा है और हमारे सनातन धर्म का जो झंडा, हम दोनों लोग साथ में कैरी कर रहे हैं। अब कुछ लोगों का मानना है कि अपना धर्म स्प्रेड कर रहा है, बढ़ा रहा है सनातन धर्म को। हाँ, मैं उसमें गर्व महसूस करता हूँ, मेरा सनातन धर्म बड़े फले फूले, और मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरा धर्म फले फूले और आपका धर्म खतरे में आ जाए। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा, एक सनातनी होने के नाते मैं कतई नहीं चाहूँगा, ना मैं कभी आपके धर्म के बारे में कुछ बोलूँगा, ना 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 मेरा वो, क्योंकि हमारे धर्म में वो सिखाते ही नहीं है, हमारे मजहब में ऐसा कुछ नहीं। जितने हमारे सनातनी भाई बहन हैं ये अपने दिमाग में लाना छोड़ दें कि ये यात्रा कर रहा है ऐसा वैसा फलाना ढिमका, कुछ नहीं हमें सोचना, हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना। जो भी श्रद्धालु मंदिर के आसपास जाते हैं, जो मंदिर को दर्शन करने के लिए जाते हैं, अगर उनको मंदिर में एंट्री मिल रही है ना, तो मुझे ये लगता है आपके अपने धन दौलत यश कीर्ति सम्मान से आपको वहाँ पे दर्शन नहीं मिला। जब तक समर्पण नहीं होगा, जब तक महादेव या कोई भी देवी देवता जिसका आप श्रद्धा भाव करते हैं वो नहीं चाहेंगे, आप दर्शन नहीं कर सकते। ये हमारे घर में दो रोटी नहीं, हमारे यहाँ मेहमान आया हम उसको घी लगा के रोटी खिला रहे हैं। तो ऐसे लोग, ऐसे विचारधारा वाले लोग जब तक इस भारतवर्ष की भूमि पर रहेंगे तब तक हमारे सनातन धर्म को कुछ नहीं हो सकता। मैंने भी सोचा ये तो बढ़िया मौका है, ताला खोला, अपना इधर से बिस्तर निकाला और आराम से सो, भगवान का शरण, भगवान का मंदिर अपना घर समझ के सो गया। रात के करीब 1:30 बज रहे थे, मेरा ये यहाँ से ये पार्ट और यहाँ तक पूरा ब्लॉक हो गया, ऐसा लगा कोई आकर के मेरे सीने पे बैठ गया हो ऐसे। फिर मैंने सोचा कि भगवान के मंदिर में भूतों का आना तो कौन सा लॉजिक है। नमस्कार, सोशल संवाद में आपका स्वागत है। आज एक ऐसे व्यक्ति और एक ऐसे युवा से मिलाएंगे, उम्र में लोग नौकरी ढूंढने के लिए, कैरियर बनाने के लिए दर दर भटकते हैं, वैसे उम्र में युवा जो है वो धर्म और सनातन धर्म को जोड़ने, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए वो पिछले 14 महीने से पूरे देश में 12 ज्योतिर्लिंग का यात्रा कर रहे हैं हमारे साथ, और वो जमशेदपुर में पहुंचे हुए हैं पैदल यात्रा करते हुए, बाबा बैद्यनाथ की यात्रा करके आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। वैसे ही हमारे साथ इन्होंने केदारनाथ से यात्रा की शुरुआत की थी और लखनऊ के रहने वाले। सबसे पहले आप बताइए कि यात्रा कहाँ से शुरू किया था और कितने महीने पहले, कब से? सर्वप्रथम सभी सनातनी भाइयों को हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सनातन धर्म की। मेरा नाम श्रेयांश मिश्रा है और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। पिछले साल 2023 में तिथि है वो 26 अगस्त, मेरी यात्रा की जो तिथि है, और हमने यात्रा स्टार्ट किया है बाबा केदारनाथ जो कि स्थित है हमारे देवभूमि उत्तराखंड में। फिर वहाँ से हमने प्रण लिया कि हमें 12 ज्योतिर्लिंग पूरे करने हैं और बाबा की कृपा से आज 10 ज्योतिर्लिंग पूरा करके आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ। एक तरफ तिरंगा है, दूसरे तरफ भगवा है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी कि आपको भगवा और तिरंगा दोनों लेकर चलना पड़ा? देखिए आपको जैसे पता है, हमको भी पता है, भारत जैसे विशाल देश में अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग मानसिकता वाले राज्य हैं, लोग हैं। तो हम अपने धर्म के बारे में सबसे पहले कहना चाहेंगे कि हमारे धर्म के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं एकजुट नहीं है, इसलिए हम केवल सनातन का झंडा लेकर के नहीं चल सकते। दूसरी बात यह है कि राष्ट्र प्रथम है, भारत जैसे संवैधानिक देश में राष्ट्र प्रथम है धर्म बाद में, तो पहले हमें राष्ट्र देखना है फिर धर्म देखना है। तो इसका ये प्रतीक है कि हम राष्ट्र और धर्म दोनों लेकर के साथ में चल रहे हैं। अगर हमारे राष्ट्र पे कोई आंच आएगी तो धर्म को छोड़कर सबसे पहले राष्ट्र पे हम प्रहार करने वालों अत्याचारियों के खिलाफ हम आंदोलन मोर्चा खोलेंगे। दूसरा, जब धर्म पे आ जाएगी तो धर्म हमारे धर्म धार्मिक लोग हैं तो हम अपने धर्म की भी रक्षा करेंगे। तो ये इसका प्रमाण है कि हम नेशनल फ्लैग जो हमारा तिरंगा है और हमारे सनातन धर्म का जो झंडा, हम दोनों लोग साथ में कैरी कर रहे हैं। सवाल ये है कि जो माहौल है देश का, क्या कभी धार्मिक आप ये को लेकर कि भाई आप धार्मिक यात्रा कर रहे हैं, भगवा लेकर कर रहे हैं, कभी आपकी 14 महीनों में दिक्कत आई, क्या उस तरह के लोग भी मिले जो आप पर आपत्ति दर्ज किए या किसी गलत, मतलब इस तरीके का भी अनुभव रहा? आपत्ति नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों का एक मिसकंसेप्शन है, लोग ये सोचते हैं कि ये अवस्था जो है 22-24 साल वाली, ये यात्रा की नहीं है, ऐसा मदिरापान का सेवन करके और आप व्यभिचारी व्यक्ति बन करके घूमे, लोगों का ये मानना, ये इंटेंशन होता है। तो हमसे एक ही प्रश्न ज़्यादातर पूछते हैं, आखिर तुम ये यात्रा क्यों कर रहे हो और इतनी कम उम्र में क्यों कर रहे हो? तो ऐसे व्यक्तियों के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं होता है, हालांकि वो मदिरापान का सेवन करने के बाद ही मेरे से ऐसा सवाल पूछते हैं। जब मैं महाराष्ट्र में था, उसके एक ज़िला है भंडारा करके, महाराष्ट्र से नागपुर, नागपुर से आगे भंडारा,
भंडारा में कुछ अराजक तत्वों द्वारा मेरे ऊपर डंडे से प्रहार किया गया था। आप निशान देखना चाहोगे तो मेरे पीछे बना हुआ है। उन्होंने कम से कम हमको 8 से 10 डंडा इसलिए मारा क्योंकि मैं सनातन धर्म का झंडा लेकर के उनके राज्य में चल रहा था। हालांकि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास सनातन धर्म का झंडा था तो उस केस में मेरे पास नेशनल फ्लैग जो कि राष्ट्र का झंडा है वो भी तो हमारे पास था। तो यहाँ पे बात ये नहीं आ रही है कि देश और धर्म, यहाँ पे मानसिकता की बात आ रही है। ये कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है? अब कुछ लोगों का मानना है कि अपना धर्म स्प्रेड कर रहा है, बढ़ा रहा है सनातन धर्म को। हाँ, मैं उसमें गर्व महसूस करता हूँ कि मेरा सनातन धर्म बड़े फले फूले, और मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरा धर्म फले फूले और आपका धर्म खतरे में आ जाए। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा, एक सनातनी होने के नाते मैं कतई नहीं चाहूँगा, ना मैं कभी आपके धर्म के बारे में कुछ बोलूँगा, ना 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 मेरा वो, क्योंकि हमारे धर्म में वो सिखाते ही नहीं है, हमारे मजहब में ऐसा कुछ नहीं है। यात्रा कैसे रही है, इसके लिए धन कहाँ से लाएँ, क्या इतना सब कुछ पहले से प्लानिंग करके चले थे, कैसे पूरा हुआ, अनुभव बताएं अगर कोई। इसलिए कि आज जो है, हालांकि आप भारत ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी जो हैं, कोई साइकिल से कर रहा है, कोई स्कूटर से कर रहा है, पैदल भी कर रहा है, उनके लिए आप एक्सपीरियंस अपना बताइए, कैसे आपने इस यात्रा को कितने दिन पहले प्लानिंग की। सबसे पहले तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जितने हमारे सनातनी भाई बहन हैं, ये अपने दिमाग में लाना छोड़ दें कि ये यात्रा कर रहा है ऐसा वैसा फलाना ढिमका, कुछ नहीं हमें सोचना, हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना। अब मैं आपकी बातों पे आता हूँ। हमारे पास कोई ऐसा व्यवस्था नहीं था, हम स्पोर्ट खेलते थे, उसमें से थोड़ा धनराशि हमने जीता था, पुरस्कृत हुए थे नोएडा में, क्योंकि उस वक्त नशा मुक्ति एक अभियान था, तो हमने मैं मैराथनर था, हाफ मैराथनर, तो कुछ हमने लगभग 15-20 हज़ार रुपये वहाँ पर पुरस्कार राशि जीते थे। उसके बाद हमने थोड़ा मम्मी को अपने बताया कि मम्मी, हम लोग ब्राह्मण कुल से हैं, तो हमारे यहाँ पे ऐसा भी है कि धर्म के लिए आप कुछ भी काम करो, बलिदान भी प्राण आपके चले जाएंगे तब भी हमारे घर वाले उफ नहीं करें, क्योंकि ऐसा है हमारे खानदान में। तो हमने मम्मी के सामने ये विषय रखा कि हम एक यात्रा करना चाहते हैं, अगर आपकी अनुमति हो तो। तो उन्होंने पहले तो एक जैसा एक माँ समझाती अपने बेटे को कि भारत जैसा देश है आपको क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने उनको बोला कि ऐसा लग रहा है मुझे, महादेव बोल रहे हैं कि तुम यात्रा कर सकते हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, मम्मी ऐसा मुझे लग रहा है अंदर से। तो उन्होंने कहा कि जब इतना तुम्हें दृढ़ संकल्प है तो फिर पूछने की ज़रूरत नहीं है, जो भी चाहिए आप हमसे लो और अपनी यात्रा कंटिन्यू। तो मुझे याद है मेरी माँ ने कुछ, उनके पास थे 4-5 हज़ार रुपये ऐसा उन्होंने दिया था, बाकी जो मैंने जीती हुई राशि 25 हज़ार रुपये टोटल लेकर के मैं कैरी करके निकला था। लेकिन आपको बताते चलूँ, ये 25 हज़ार रुपये और यात्रा से कोई संबंध नहीं। 25 हज़ार तो एक रात में समझ लीजिए खर्चा करने वाला खर्चा कर देगा, नहीं तो चलाने वाला चलाता है। हालांकि वो मेरा 2-3 महीने चला था, उसके बाद मेरा पूरा यात्रा भगवान शंकर के चरणों में ही समर्पित करके मैं हार मान गया था कि मेरे से अब तो नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे घमंड था इस बात की यात्रा मैं कर रहा हूँ। एक्चुअल में क्या है, जो भी श्रद्धालु मंदिर के आसपास जाते हैं, जो मंदिर को दर्शन करने के लिए जाते हैं, अगर उनको मंदिर में एंट्री मिल रही है ना, तो मुझे ये लगता है आपके अपने धन दौलत यश कीर्ति सम्मान से आपको वहाँ पर दर्शन नहीं मिला। जब तक समर्पण नहीं होगा, जब तक महादेव या कोई भी देवी देवता जिसका आप श्रद्धा भाव करते हैं वो नहीं चाहेंगे, आप दर्शन नहीं कर सकते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं जानता हूँ। तो पैसे ख़त्म हुए, फिर कई जगह ऐसा हुआ कि हम गांव-गांव में भिक्षाटन भी किए। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में भिक्षाटन और हम ब्राह्मण हैं, तो हमारे लिए कोई बुरी बात नहीं है कि हम किसी से मांग के भी खाना खा लिए। हमने कभी आज तक कभी किसी से पैसे वैसे नहीं मांगे, और ना किसी, हमें भूख लगी, मूलभूत जो आवश्यकता है हमारे शरीर की वो है भूख, उसकी पूर्ति हो जाए उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारी चीज़ें माया मुझे लगती है। लोगों ने खाना पैसा ये सब ऑफर किया? हाँ, मुझे अपने सनातन धर्म के लोगों ने बहुत मान सम्मान दिया, और मैं उन सबका रेडी आभारी रहूँगा मरते दम तक, क्योंकि ये चीज़ें जो आप लोगों ने मुझे इतना प्यार सम्मान दिया है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चीज़ें थी मेरे लिए कि आपने अपने, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके यहाँ पे 2 रोटी खाने की भी जगह नहीं है, बेचारे दिन भर काम करते हैं और शाम को खाने का ठिकाना नहीं होता, उन लोगों ने भी खाना खिलाया। ये ऐसा मतलब आप ही सोचिए, हमारे घर में 2 रोटी नहीं, हमारे यहाँ मेहमान आया हम उसको घी लगा के रोटी खिला रहे हैं। तो ऐसे लोग, ऐसे विचारधारा वाले लोग जब तक इस भारतवर्ष की भूमि पर रहेंगे तब तक हमारे सनातन धर्म को कुछ नहीं हो सकता। जो लोग धर्म को धंधा बना करके घूम रहे हैं, मेरा उनके लिए कटु वचन है, आप समय रहते सुधर जाइए, अन्यथा विनाश आपके द्वार पे ही खड़ा है, आप उसके चपेटे में आओगे तो बहुत बुरा पछताओगे। ये तो हमने आपकी एक्सपीरियंस, ये जो 12 ज्योतिर्लिंगों में आपने कहा 10 आपने कर लिया है, अभी तक 10 कर लिया है 14 महीनों में पैदल चलकर, और मुझे लगता है कितने हज़ार किलोमीटर अब तक चल चुके होंगे आप। टोटल यात्रा का जो ड्यूरेशन डिस्टेंस हमने बनाया था अपने मैप के अकॉर्डिंग वो था लगभग 14.5 से 15 हज़ार किलोमीटर। कितने स्टेट की बात करें, अगर मैं गिनाना चाहूँगा वैसे तो मैं नहीं जानता, उत्तराखंड हुआ है,
दिल्ली के रास्ते में गया था मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, बिहार, ना अभी झारखंड में है, इसके बाद हम उड़ीसा की तरफ। कौन कौन से बाकी? इस यात्रा में दो हमारे ज्योतिर्लिंग बाकी हैं, एक रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में है और एक आंध्र प्रदेश स्थित मल्लिकार्जुन महाराज। लेकिन उसके पहले हम जगन्नाथपुरी के दर्शन करेंगे, क्योंकि लगे हाथ हम ये सोच रहे हैं कि चार धाम 12 ज्योतिर्लिंग पूरे हो जाए, क्योंकि इसके बाद फिर भगवान की कृपा बनेगी कि नहीं बनेगी हमको ये भी नहीं पता। कितने महीने और आपको लगता है? लगभग हमें जहाँ तक उम्मीद है 2.5 से 3 महीने और लग जाएगा। घर की याद आती है तो बीच में आप जा पाते हैं कि नहीं जा पाते? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर बात करूँ तो जितनी भी हमारी माताएं बहनें हमको रास्ते में मिली हैं, कभी उन्होंने पानी पिलाया, कभी खाना खिलाया, तो कहीं ना कहीं उन्होंने हमारी माँ की पूर्ति कर दी, उस याद की पूर्ति कर दी, जैसे मेरी माँ मुझे खाना खिलाती थी, ऐसा है रास्ते में लोग मिलते रहते हैं। ये होगा इस वक्त में कभी आदमी बीमार भी पड़ता स्वस्थ भी रहता है, वैसे कंडीशन में कैसे आप यात्रा को जारी रखते हैं? देखिए बीमारी की बात है, मैं अपने विशेषतः अपने युवा साथियों से एक अपील करूंगा, ज्यादा नहीं एक छोटी सी बात मैं बोलूंगा, ब्रह्मचर्य की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य का इस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, पिछले 8-9 महीने से 10 महीने से हम अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा पा रहे हैं। हमको अगर खाना मिलता है तब भी नहीं मिलता है, तब भी ऐसा लगता है मेरा पेट भरा रहता है। हम अगर सोचते हैं कभी कभी क्या होता है सर, जैसे महाराष्ट्र में कितने बड़े बड़े जंगल है, झारखंड में कितने बड़े जंगल है, उड़ीसा में जंगल, सॉरी उड़ीसा तो गया नहीं लेकिन जंगल वहाँ भी है, तो ऐसे केस में क्या होता है मैं 2-2, 3-3 दिन जंगल के अंदर चलना पड़ता है, क्योंकि अब पदयात्रा है, कोई गाड़ी का यूज कर नहीं सकते। उस पदयात्रा के एवज में क्या होता है कि 2-2 दिन 3-3 दिन खाना नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं वो जो हमने ब्रह्मचर्य की तरफ जो अपना वो हमारा इसमें मदद करती है, तो मुझे इस पे विशेषतः युवाओं से ही आग्रह है। एक सवाल, भगवान की तरफ आपने रुचि रखकर अपनी यात्रा शुरू किया होगा, तभी इतनी बड़ी शक्ति मिली होगी, तो इस 14 महीने में वो कैसा एक्सपीरियंस रहा है? क्या आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ी है, चेतना बढ़ा है, अनुभव बढ़ा है, क्या कैसा रहा ये 14 महीने जब आप महादेव की दर्शन कर रहे हैं एक के बाद एक, और जिससे आपने कहा कि बिना अनुमति के, अरे हम सब ने अनुभव भी बिना अनुमति के कोई यात्रा नहीं कर सकता है, लेकिन आप कर रहे हैं 14 महीने, कैसा रहा है वैसा उसके बारे में? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं बहुत भाग्यशाली अपने आप को महसूस कर रहा हूँ कि 140 करोड़ की आबादी में भगवान शिव ने मुझे एक अपना दास चुना है, और मैं कृतज्ञ होकर मेरा पूरा जीवन धन्य हो गया। दूसरी बात ये है कि जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो शब्दों में नहीं बता सकते। कुछ चीज़ें होती हैं आध्यात्मिक चीज़ें होती है, वो शब्दों में आप बयां ही नहीं कर सकते हो। जैसे कई लोग हमसे ये पूछते हैं कि झंडा देखा, अरे तुम ऐसा क्यों यात्रा उतरा कर रहे हो, भगवान मिले क्या? भगवान नहीं मिलेगा, घर जाओ, खाना खाओ, अपना पढ़ाई लिखाई करो। हालांकि मैं भी एक युवा ही हूँ और मैंने भी पढ़ाइयाँ करी है, तो लोग सोचते हैं कि ऐसा घर से भागा हुआ आदमी या चोर है बहुत, क्योंकि भारत जैसा विशाल देश है, काम नहीं करना चाहता बेरोजगारी की वजह से। तो मैं तो उनको एक ही बात बोलता था, जब मैं यमुनोत्री एक धाम है हमारे चार धाम छोटे वाले से, एक पवित्र धाम यमुनोत्री, मेरा जो वहाँ का अनुभव रहा है वो बहुत अद्भुत रहा है। जो कुछ आप बता पाए? हाँ, वहाँ पे जब आप जाओगे कभी यमुनोत्री धाम पे और जब आप पहली डुबकी लगाओगे, आपको मुझे लगता है कि समझ में आ जाएगा ईश्वर है या नहीं, इससे आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता। कैसा रहा आपके साथ? मेरा ऐसा था कि उसके पहले एक महीने तक मेरा हमेशा मन डोलता रहता था ऐसा कि यात्रा करे कि छोड़ दे, बीच में छोड़ो हटाओ, अभी अपनी उम्र भी खेलने वाली है, चलते हैं। उस जीवन हमारा बढ़िया था, सुबह शाम का नाश्ता खाना पीना, शाम को बेड मिलता था सोने के लिए, और वो दोस्त यार मित्र रहते थे। तो मैंने भगवान से एक ही बात बोली थी कि पहले आप हमारे मन का ये जो जंग लगा है इस पे आप कुछ करो, इसके लिए मैं बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि तरीके तरीके के लोग स्टार्टिंग में मिलते थे, पता नहीं क्या दिमाग में है। हरिद्वार में मैं स्नान करने के बाद सीधा यमुनोत्री धाम चला गया, जो हमारे तब का नहाना, और आज मुझे लगता है 14 महीना हो गया, 13 महीना, आज तक कभी मैं पीछे मुड़ा नहीं, कभी ऐसा वो जो मन को भगाने वाली चीज़ें अंदर चल रही थी ना, सब ऐसा लगा किसी ने डिटॉक्स कर दिया। मैं उस चीज़ को महसूस किया और आपके चैनल के माध्यम से उस चीज़ को आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं। एक आप देख रहे हैं अभी नाम जप को लेकर हमेशा ये रहता है कि भगवान के आप नाम जप करेंगे, आपकी सब चीज़ें, आप तो पूरे 14 महीने से डेडिकेटेड रात दिन महादेव के ये पर रहे हैं, क्या महादेव कभी निद्रा या जागृत अवस्था में आपकी कुछ इस तरह की एक्सपीरियंस रहा, अनुभव रहा उनके? एक होता है कि जब मैं उत्तराखंड की ये भी घटना है, क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता, तपोभूमि रहा है वो, तपस्या करने के लिए। हाँ, तो जितने भी मेरे साथ इंसिडेंट हुए या जो भी कह लीजिए आप, सारे उत्तराखंड में हुए। तो दोबारा एक बार वहाँ पे हुआ था, आप गूगल पे आप सर्च करिएगा, आप एक देवता का मंदिर है घंटा कर्ण देवता,
जिनको घड़ियाल देवता वहाँ के लोकल लोग कहते हैं। शाम का समय था 6 से 7 बजे का और बारिश का मौसम था। उसके बाद रहने की जगह में ढूंढ रहा था, पहाड़ों के ऊपर थोड़ा सा मुश्किल होता है। मंदिर में गया तो वहाँ के मंदिरों में एक खासियत है, गांव जो ग्राम देवता या कुल देवता है वहाँ के मंदिरों में ताला नहीं लगाते हैं। तो मैंने भी सोचा ये तो बढ़िया मौका है, ताला खोला, अपना इधर से बिस्तर निकाला और आराम से सो, खाना पीना खा ही लिया था पीछे। हालांकि वहाँ पे मंदिर में अगर पुजारी जी होते तो मैं उनसे अवश्य पूछता कि यहाँ पे रह सकते कि नहीं, लेकिन जब दूर दूर तक कुछ दिख ही नहीं रहा मैं पूछूं किससे, भगवान का शरण, भगवान का मंदिर, अपना घर समझ के सो गया। रात के करीब 1:30 बज रहे थे, वो दिन मैं आज भी नहीं भूलूंगा। मेरा ये यहाँ से ये पार्ट और यहाँ तक पूरा ब्लॉक हो गया, ऐसा लगा कोई आकर के मेरे सीने पे बैठ गया हो ऐसे। वास्तव में मैं एक युवा होने के नाते मैं खुद चौंक गया था कि ऐसी बातों पे क्या हो रहा है मेरे साथ। अच्छा, भूत प्रेत पे मैं भरोसा करता नहीं था और अभी भी नहीं करता, क्योंकि भक्त के हिसाब से अगर बाप भक्ति कर रहा तो भूत प्रेत कुछ मायने नहीं रखते। फिर मैंने सोचा कि भगवान के मंदिर में भूतों का आना तो कौन सा लॉजिक है, कुछ समझ नहीं आया। उस रात भर मैं सोया नहीं, फिर अगली सुबह मंदिर से कैसे का 5 से 7 किलोमीटर अंदर एक गांव है, गांव में जा करके मैंने महाराज जी से पूछा, महाराज जी कल रात में हमारे साथ में ऐसी एक घटना घटी थी, इस घटित घटना के बारे में आप हमको अवगत कराने का कष्ट करें। तो उन्होंने बताया कि एक एग्जाम्पल देके समझाया, बोले हम समझ गए बेटा तुम्हारा क्या क्या हुआ था, हम बिल्कुल समझ गए। आप एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, आप घर में हो और कोई एक व्यक्ति आता है आपके घर में बिना आपके परमिशन के, वो आपके घर में चाय बनाता है, चीनी चबाता है, चाय पानी पीता है आपसे बिना पूछे, और आप उसको देखते हो, आप कैसा महसूस करोगे? और वो अनजान आदमी, मैं कहूँगा, मैंने कहा कि बाबा जी अवश्य, अब मैं तो यही सोचूंगा कि मतलब कैसा इंसान है। तो बोले बेटा बस वही था, वो जो देवता हैं वो भगवान शिव के अंश हैं। एक ज़माने में वो राक्षस हुआ करते थे, घंटाकर्ण देवता, लेकिन उनके कुछ ऐसे प्रार्थना थे जिसको भगवान शिव ने सुन करके उनको अपनी शरण में ले लिया और वहाँ के लोगों ने उनको भगवान शिव के रूप में पूजना स्टार्ट कर दिया। तो वो थोड़े गुस्साइल देवता हैं, आप बच गए वहाँ पे, ये बहुत अच्छा है। फिर उन्होंने गाँव के एक दो लोगों को दिखाया जिनका पूरा हाथ पैर पैरालाइज हो गया था उन देवता के गुस्सा की वजह से। तब से लेकर के मैंने किसी भी मंदिर प्रांगण में मैं भी जाता हूँ और आप लोगों को भी एक वो है बताता हूँ कि कभी भी जाइए, किसी का भी मंदिर हो, एक बार प्रणाम करके वहाँ पे उनसे राय कीजिए कि महाराज ऐसा ऐसा है, हम आपके मंदिर में दरबार में सोना चाहते हैं, ये मेरी अपनी राय है। हाँ, अनुमति लेकर ही उसके बाद से फिर चीज़ें समझ में आई। फिर कभी तो उसको आप चमत्कार कहिए या दिव्य शक्तियाँ कहिए, मेरी नज़रों में तो भगवान की ही शक्ति थी। दिव्य शक्तियाँ हैं, तभी आप यात्रा कर पा रहे हैं, तभी हम बोल पा रहे हैं, हम सब मिल पा रहे हैं, और जिस तरीके से आपको लोगों ने प्यार दिया है, आगे देते रहें, आप यात्रा करते रहें। लास्ट की यात्रा कंप्लीट होने के बाद आप गृहस्थ में लौटेंगे कि अध्यात्म की तरफ जाएंगे, क्या आगे के प्लान क्या है? देखिए, एक गृहस्थ में जाना हमको बहुत अनिवार्य है। गृहस्थ में जाने के बाद ही हम अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए बहुत कुछ, अध्यात्म की तरफ अगर हम बढ़ गए, हालांकि किसी महात्मा जी को या किसी भी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है, आपकी अपनी मंतव्य है, आपकी जो इच्छा है आप वो करो, ये मेरा पर्सनल मंतव्य है। तो मेरा जो मानना है कि मैं वापस गृहस्थ में लौटूंगा और पैसे अच्छे तरीके से पैसे कमाने की सोचूंगा। हमारे जो, क्योंकि जब कोई भी सेवा होती है तो 3 प्रकार से होती है, तन मन और धन से। तो अगर मेरे पास तन मन है और धन नहीं है तब भी मैं सेवा नहीं कर पाऊँगा, अगर धन है और तन है और मन ही नहीं है तब भी सेवा नहीं। तो कहीं ना कहीं इन तीनों का मिश्रीकरण बहुत ज़रूरी है। तो तन और मन इस यात्रा में भगवान द्वारा विकसित हो गया है, और रही बात धन की, तो वो सही समय आने पर हम अच्छे से कमा करके और अपने समाज के, अपने परिवार, अपना समाज और अपना धर्म जहाँ तक होगा, क्योंकि ये शरीर अगर ईश्वर ने दिया है तो इसको ऐसे ही व्यर्थ नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी बातें सुनकर इंस्पिरेशनल है। हर कोई इतना जल्दी निर्णय सोचने के लिए, प्लानिंग तो हम सब करते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं कि अपने मन का द्वंद्व खत्म करके और उन्हें रास्ता पता हो कि आगे क्या करना है। आप कर रहे हैं पिछले 14 महीने से, जितना ये सुनने में आसान है पैदल यात्रा करना, उतना ही एक मुश्किल है, बहुत मुश्किल यात्रा है। और जिस तरीके से भारतवर्ष में लोग सपोर्ट कर रहे हैं आपको, गांव हो घर हो, लोग बिना मांगे ही लोग हर तरह की मदद की बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ाते रहे, और इसी तरह से देश इन कार्यों के लिए आगे बढ़ता रहे, हमारी शुभकामना है। जितने लोग भी आप इस वीडियोस को देख रहे हैं ज़रूर बढ़ाएं,
लोगों को अवगत करें, अगर भाई मिले रास्ते में तो ज़रूर आपके पास ना कम से कम पानी के लिए पूछ लीजिए, जो कुछ आप दे सकते हैं ज़रूर दीजिए, ताकि इनकी यात्रा और इनके जैसे बाकी लोग भी कंटिन्यू रहे और एक अच्छा माहौल। कि आपको ये सोचना ना होगा कि हम लखनऊ में हैं और तमिलनाडु जाना है या रामेश्वर करना तो वहाँ किस तरह से लोग होगा, वैसा नहीं। भारत का जो एक सूत्र है वो कम से कम, हालांकि अभी भी विध्वंसक लोग हैं, जिस तरीके से इन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो व्यवधान डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा मानना है कि आज भी ज़्यादातर अच्छे लोग हैं, सपोर्ट करने वाले लोग हैं, और वैसे लोगों की संख्या रहेगी तो वैसे लोगों की, नकारात्मक लोगों की शक्तियाँ ऐसे ही खत्म हो जाएगी। अपने सहयोगी शेष रामूर्ति के साथ शशि भूषण, सुशल संवाद में, झारखंड।